So, dear students, in this question, what they are asking? It is given if A plus B is equal to 45 degrees, then find the value of 1 plus 10 A into 1 plus 10 B. तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है नीचे, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई 1 plus 10 A into 1 plus 10 B, इसकी वैल्यू निकालनी है, right? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमें गिवन है हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, लिखा हुआ है 10 a plus b is equal to 10 45 degrees लिख सकते हैं, क्योंकि a plus b की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहां पर 45 लिखी है। अब 10 a plus b का फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर सिंपल, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b, right? और 10 45 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है 1 के, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमको मिलेगा 10 a plus 10 b is equal to 1 minus 10 a 10 b, राइट? ये माइनस 10 a 10 b जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, क्या मिलेगा बच्चों हमको, 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b इज इक्वल टू 1, राइट? अब देखिए हम इसके अंदर क्या करें मैनिपुलेशन, क्योंकि हमें 1 प्लस 10 a इंटू 1 प्लस 10 b चाहिए, बात समझ में आती है। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है वो दे रखा है 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b, इसके अंदर 1 की जरूरत और है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 को जोड़ देता हूं और राइट हैंड साइड में भी 1 को जोड़ देता हूं। अब ध्यान से देखिए, मुझे 1 प्लस 10 a यहां पर मिल गया, 1 प्लस 10 a एज इट इज लिखा रहने दीजिए, प्लस 10 b यहां पर लिखा हुआ है इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, बल्कि इसको कॉमन ले लीजिए, इन दोनों टर्म्स में से 10 b को कॉमन ले लीजिए, मुझको क्या मिलेगा, 1 प्लस 10 a एंड हियर इन दिस राइट हैंड साइड इट इज इक्वल टू 2। अब 1 प्लस 10 a और 1 प्लस 10 a इनको कॉमन ले लीजिए, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 10 a, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 1 प्लस 10 b इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज अवर आंसर। आगे और भी क्वेश्चन लगे हुए हैं बच्चों, उनको देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।